इंडोनेशिया में आयोजित एबेकस मेंटल मैथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का जलवा बरकरार। जालौन के दो छात्रों ने ट्रॉफी और गोल्ड मेडल जीतकर किया भारत का नाम रोशन। 18 देशों के छात्रों में भारत की तरफ से जालौन के छात्रों ने प्रतिस्पर्धा में लिया था हिस्सा। 9 साल के बच्चों के हुनर के आगे मैथ के टफ टास्क हुए फेल। होनहार बच्चों ने जिले का नाम किया रोशन। ये दोनों बच्चे पहले भी अपनी काबिलियत के दम पर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत महेश्वरी। कहाँ के रहने वाले? उरई का रहने वाला। आपके बच्चे हैं जिन्होंने हाल में ही गोल्ड जीता है, और मतलब कहाँ जीता है, कौन सी कंट्री है और किस लेवल में उन्होंने गोल्ड? देखिए, दोनों बच्चे हैं ऋषभ और राघव। इन दोनों को बाली इंडोनेशिया में बुलाया गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनके साथ ही चार बच्चे और हैं जिन्होंने साथ में पार्टिसिपेट किया था, और ये ग्रुप डी में थे। एज 8 और 9, 10 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनको ग्रुप डी में रखा हुआ था, और इन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड जीता है। तो मतलब इसने इतनी छोटी उम्र में गोल्ड जीता है, कैसा फील करते हैं? ये बहुत प्राउड फील होता है। इससे छोटी भी उम्र में और कारनामे कर चुके हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसके पहले कुछ तस्वीर वगैरह भी बनाई थी? जी, वो तस्वीर रूबिक्स क्यूब से मेरी बेटी बनाती है। वो रूबिक्स क्यूब में मास्टर है, और 500 से ज़्यादा क्यूब्स का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न विभिन्न हस्तियों की फ़ोटो बनाती रहती है। बच्चों का इतना टैलेंट है तो मतलब कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या ड्रीम है? देखिए, ड्रीम तो असीमित हैं। बच्चे जिस ऊंचाई तक जाना चाहें वहाँ तक जाएं, और पूरा सपोर्ट रहता है, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है कि बच्चे जो भी करना चाहें अपने मन से वो आगे करें।